मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूं उस पार्टी की प्रतिबद्धता है देश को समृद्धशाली बनाने का। और यह संकल्प कोई भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में नहीं लिया गया, जनसंघ के 1954 के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित होता है भारत को समृद्धशाली बनाने का। 1969 में जनसंघ का जब अधिवेशन होता है तो भारत को आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाने का संकल्प उस अधिवेशन में लिया जाता है। और जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना होती है तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी भारत को समृद्धशाली, समर्थ भारत और स्वाभिमानी भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल में लिया जाता है। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब जब सरकारें रहती है तो भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम हमारी सरकार करती है। इसलिए आज दुनिया की अर्थव्यवस्था वास्तव में बद से बदतर है कोरोना कालखंड के बाद से, और ऐसे विपरीत परिस्थिति में न केवल हमारे भारत ने स्थिति को संयम से संभाला बल्कि आर्थिक गति को दशा और दिशा देते हुए देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य सफलतापूर्वक किया। और उसके इस काम को करने वाला दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का नाम नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी। इसलिए आज देश के 144 करोड़ जनता का मान सम्मान और स्वाभिमान केवल भारत में ही नहीं बढ़ा है महोदय, बल्कि दुनिया आज हर भारतीय को अच्छी नजर से देखने का काम करता है। यह है भारत का सामर्थ्य, और इस सामर्थ्य को अगर किसी ने पहचाना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना, नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना। और केवल देश नहीं बल्कि दुनिया की कई संस्थाएं भारत के आर्थिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो विचार प्रकट करता है तो देश के 144 करोड़ जनता का सर मस्तक ऊंचा हो जाता है। महोदय, मैं कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। भारत में विश्व बैंक के केंद्रीय जो डायरेक्टर हैं अगस्तो तानुकवामू, उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी दबावों के बावजूद भारत के सेवा निर्यात में वृद्धि जारी है और चालू खाते का घाटा कम हो रहा है। और तो और वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण एशिया की कुल अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी है। भारत की विकास दर में सबसे अहम सेवा क्षेत्र और औद्योगिक विकास होगा। सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, आईएमएफ ने क्या कहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या कहा, राजकोषीय आईएमएफ ने कहा कि राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना की जानी चाहिए, और क्या कहा, भारत वैश्विक वृद्धि में 17% का योगदान करेगा, 17% का योगदान करेगा। भारत की लगातार महंगाई कम हो रही है, भले उनको जानकारी नहीं हो लेकिन दुनिया को मालूम है कि कांग्रेस को छोड़कर के, विपक्षियों को छोड़कर के दुनिया मानती है कि दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, भारत में महंगाई दर कम हो रहा है। और आईएमएफ ने और क्या कहा कि दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था को स्टार परफॉर्मर की संज्ञा दी। और डिजिटलकरण और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण भारत का विकास दर मजबूती से बना हुआ है। और
IMF का और भी कहना है महोदय कि भारत में घरेलू मांग लगातार मजबूत बनी हुई है, नौजवान आबादी बढ़ रही है और जो उत्पादन बढ़ाने में सहयोग देगा और भारत का आर्थिक विकास बन करने से कोई रोक नहीं सकता है महोदय। तो भाइयों, उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ योजनाओं के बारे में जो बजट में आया है उसका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं झारखंड का निवासी हूं और मुझे गर्व है कि मैं झारखंड का निवासी हूं। भारत सरकार ने झारखंड को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके तहत मैं बजट में जो पूर्वोदय योजना है उस पूर्वोदय योजना के लिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। इस योजना के द्वारा झारखंड सहित पूर्वी भारत के विकास को बढ़ावा मिलेगा और जिससे बुनियादी ढांचे, उद्योग तथा अन्य योजनाओं से विकास की किरणें तेज होगी और झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे राज्य जो कांग्रेस के कालखंड में विकास की किरणें पहुंच नहीं पाई थी, वो विकास की किरणें धरातल तक पहुंचेगी ये बजट के माध्यम से। मैं आपके माध्यम से इस बजट में संघीय ढांचा के बारे में उल्लेख किया गया, राज्य के आर्थिक विकास में संघीय सहायता का उल्लेख किया गया, राज्यों को लेन देन की प्रणाली को लचीला बनाया गया। मेरी सरकार की मान्यता है, केंद्र सरकार की मान्यता है, मोदी जी की सरकार की मान्यता है कि केंद्र और राज्य दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों के संबंध अनुनासरय होने चाहिए। किंतु आज बड़ा पीड़ा हुआ उपसभापति महोदय, आज सुबह जब मैं यहां पर आया और जिस प्रकार से कांग्रेस और विपक्षी दलों की भूमिका देखने से हमारे जैसे लोगों को की आत्मा आज वास्तव में बहुत तकलीफ दे रही है, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इस बजट में देश के सभी राज्यों को आर्थिक सहायता देने का उसमें उल्लेख किया गया है। बिहार, बिहार को अगर सड़कों का निर्माण के लिए कुछ अलग से योजना दी गई तो विपक्षियों को भी खुशी होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने बिहार को आर्थिक सहायता देने पर सदन में वॉकआउट करने का काम किया उसको वास्तव में बिहार के सभी बिहारी नहीं बल्कि देश के अंदर जो बिहार के निवासी हैं उनकी आत्मा में प्रहार करने का काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस इसलिए बिहार के निवासी और बिहार के जो लोग हैं जो दूसरे प्रदेश में रहते हैं वो उसका उसकी आत्मा को प्रहार करने का काम किया है, ये सबसे दुखद बात है, सबसे दुखद बात है। हाय मिलेगी, हाय मिलेगी। अरे अगर बिहार को कोई अतिरिक्त सहायता मिलता है तो आपको परेशानी किस बात की, आपके कलेजे में सांप कौन बैठता है? और जब बिहार में जाता हूं तो वहां पर आपके दल के लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार से क्या सहयोग मिला। जब केंद्र की सरकार सहयोग करती है तो आपके पसीना क्यों छूटता है? पसीना सब तो कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, सांप भी नहीं है, मुहावरा है, ये मुहावरा है। इसलिए बहुत ही आपत्तिजनक आगे बिहारियों की हाय लगेगी। इसलिए
आपको आज इसी कारण से आप उस पक्ष में हैं और हम इस पक्ष में, हम इस पक्ष में तीसरी बार। इस बजट में रोजगार के संदर्भ में, रोजगार के संदर्भ में वास्तव में पहली सरकार है केंद्र में मोदी जी की सरकार जो रोजगार देने के लिए कृत संकल्प, और यह शायद पहली बार हुआ होगा मेरे ख्याल से कि रोजगार पाने वाला भी लाभार्थी होगा और रोजगार देने वाला भी लाभार्थी होगा। इस बजट की सबसे बड़ी खूबसूरत पहलू, नौकरी में प्रवेश करने वाले 50 लाख युवाओं को एक महीने का PFI, ये कोई छोटी बात। 25,000 नौजवानों को जॉब की ट्रेनिंग दी जाएगी, ये छोटी बात। आपके कल कालखंड में तो आपने विचार नहीं किया। पहली बार जो नौकरी पाएगा उसको एक महीने का वेतन, और मुझे तो स्मरण आता 1974 के आंदोलन को पढ़ने की। उस वक्त देश की जनता ने आपको, आपके खिलाफ आंदोलन किया था, बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर और भ्रष्टाचार के सवाल पर, तानाशाही के, और साथ साथ तानाशाही के खिलाफ। इसलिए इस बजट में आर्थिक विकास के संदर्भ में भी एक लक्ष्य रखने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। आर्थिक विकास को 10.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया और निवेश को बढ़ाने का संकल्प इस बजट के अंदर है, और निवेश बढ़ा करके व्यापार को सुगम बना करके रोजगार को सृजन करने का संकल्प इस बजट में लिया गया है। ये पहली सरकार है जो मोदी जी की सरकार, इसलिए इसलिए मैं आपके निवेदन करना चाहता हूं, कुछ तुलनात्मक विवरण भी मैं रखना चाहता हूं। आपके कालखंड में GDP का जो रेट था विकास का वो 6.7% और आज NDA की सरकार है 7.3% है, 7.3%। इन्फ्लेशन के बारे में खूब आपके पूर्व वित्त मंत्री ने भाषण देने का कहा, झूठे आंकड़े खड़ा करने का कहा, गलत आंकड़े खड़े, असत्य, असत्य, झूठे शब्द को मैं वापस लेते हुए असत्य। अब मुद्रा स्फीति के बारे में आपका, आपको उल्लेख करना चाहता हूं, इन्फ्लेशन का जो रेट UPA के कालकल में 10.1% था, 10.1%। आज NDA गठबंधन की सरकार, मोदी सरकार, मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में इन्फ्लेशन का रेट 4.6% है, 4.6%। ये आंकड़े हमारे नहीं, ये आंकड़े आपके भी नहीं, ये स्टैटिकल आंकड़े, और आंकड़े सच बोलते हैं और आंकड़ों से आपको सामना करना पड़ेगा। आपने, आपके समय में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो सड़कों के निर्माण में आपका प्रत्येक दिन 12 किलोमीटर आप बनाने का काम करता था कि आपने किया था, और NDA के सरकार में आज वर्तमान में 28 किलोमीटर प्रत्येक दिन सड़क बनती है, प्रत्येक दिन सड़क बनती है। LPG UPA के कालखंड में 1 करोड़ का वितरण आपने किया था, 1 करोड़ वितरण, और NDA की सरकार है, मोदी जी की सरकार में 13 करोड़ LPG कनेक्शन हमारी माता और बहनों के घरों तक पहुंचाने का उनके घरों में भी किया। आपके, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, उनके घर में, आपके समय में आपको तो एक अच्छी विरासत मिली थी, अटल जी के शासन के बाद आप शासन में, सत्ता में आए थे, आपको एक अच्छी अर्थव्यवस्था मिली, लेकिन आपने
2014 तक एक ऐसी अर्थव्यवस्था मोदी जी के विरासत में देने का काम किया, उसको बोलने में भी भारत हर भारत के लोग शर्मसार होते। आपने पूरी तरह से भारत को घोटालों का देश बनाने का काम किया। जंगल आकाश से लेकर के जमीन से लेकर के पताल तक आपने घोटालों का रिकॉर्ड खड़ा करने का काम आपको पूरी तरह से फाइनेंशियल एनार्किज्म आपके शासनकाल में था। बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स था और आज बैंकिंग सिस्टम पूरे दुनिया में सबसे बेहतर बैंकिंग सिस्टम का नाम है भारत का बैंकिंग अर्थ बैंकिंग सिस्टम आपने किस हाल में छोड़ दिया। आपके मंत्री आपके यहां से लोग चुटके देते थे पूंजीपतियों को और चुटकों के सहारे पर आप लोगों ने बैंक को खाली करने का काम किया, खाली करने का काम। इसलिए आज आप पर लोगों का विश्वास उठ चुका है मादर। ये बजट ज्ञान पर आधारित है। गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी और मीडियम क्लास मध्यम वर्ग पर। और सच में ये बजट वास्तव में एक अनोखा बजट है और इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को उत्थान करने का लक्ष्य रखा गया, उत्थान करने का लक्ष्य रखा गया। और महोदय, आज बस मैं अब खत्म करना चाहता हूं, बस एक मिनट हम कुछ अनुमति दीजिए। आप सभापति महोदय आए हैं तो आज मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से हेल्थ सेक्टर में भारत ने एक युगांतकारी परिवर्तन लाने का काम किया, सभापति महोदय और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो इसके लिए केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन मैं आज इस सदन में एक रोचक प्रसंग रखना चाहता हूं सभापति महोदय। और रोचक प्रसंग क्या है कि मैं झारखंड से आता हूं और झारखंड में कोडरमा जिला है, कोडरमा जिला, और उस जिले में एक महिला 12 बार बच्चे देने का काम की, 12 बच्चे देने। सामाजिक सुरक्षा अभियान का कैसा लूटपाट होता है झारखंड में, उसका उल्लेख मैं करके अपनी बातों को खत्म रखना चाहता हूं। और तो और सभापति महोदय, प्लीज खत्म। जननी सुरक्षा योजना का किस प्रकार से लूटपाट है झारखंड में, कांग्रेस की सरकार है वहां, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, आरजेडी की सरकार है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। और वहां पर एक बहन, एक माता को 12 बार एक दिन में बच्चा पैदा करते दिखाया गया है। और तो और उतना ही नहीं, माना गया एक पुरुष को भी बच्चा पैदा करते दिखाया गया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या। ये इनके सरकार का, झारखंड की सरकार का कर्तव्य है, कमाल है। कई वैज्ञानिक आज इस खोज में लगे हुए, लेकिन झारखंड की सरकार नहीं, यू आर कंक्लूडिंग। बस इसलिए आज प्लीज कंक्लूड। हाँ बस कंक्लूड कर, आधा मिनट लेंगे। इसलिए मैं मानता हूँ सभापति महोदय कि 1951 में जब देश की आजादी हुई थी, तब जब फर्स्ट फिफ्थ ईयर प्लान बना था उसी में कहीं ना कहीं खोट थी। इसीलिए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।